दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और उन्हें सीधे पहली मंजिल पर भ्रष्टाचार रोधी शाखा के कार्यालय में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनसे दिल्ली की आबकारी नीति एफआईआर में आरोपी बनाए गए लोगों से उनके संबंधों और छापेमारी में बरामद दस्तावेजों के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया सीबीआई के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं, वहीं सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की जय। उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हिरासत में ले लिया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि कुर्ता फाड़ दिया गया है और एक सांसद के साथ जुल्म हो रहा है। आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश का जवाब जनता अपने वोट से देगी। आज तुम हमारे कुर्ते फाड़ रहे हो, जनता चुनाव में तुम्हारे कुर्ते फाड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ, और जितना तुम्हारे अंदर ताकत हो, दम हो, और जुल्म करो। हम लोग डरने रुकने झुकने वाले नहीं। ये आम आदमी पार्टी का कारवा है, लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी भारत माता की। बता दें कि सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की छूट दी गई है और आबकारी नियमों का उल्लंघन कर लाइसेंस धारकों को उनकी मर्जी के मुताबिक सेवा विस्तार दिया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश और 477 ए खातों का फर्जीवाड़ा के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भट्टागर पर साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय लेने और अनुचित लाभ पाने का आरोप है। आईएनएस की रिपोर्ट।